इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति और जाने माने तेल उत्पादक कारोबारी कैलाश सहारा अब बहुत बड़े बैंक डिफॉल्टर बन गए हैं। उनकी रुचि सोया को खरीदने के लिए अडानी और पंतजलि समूह भी सामने आ गए हैं और कुल मिलाकर 6000 करोड़ तक की बोली समूह के लिए लगाई गई है। इसी बीच बैंकों द्वारा कैलाश सहारा की जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यानी देश के जाने माने उद्योगपति और इंदौर निवासी कैलाश सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित कंपनी रुचि सोया अब लगभग दिवालिया स्थिति में आ गई है। कुल मिलाकर 4 बैंकों ने अपने बकाए 190 करोड़ की वसूली के लिए कैलाश सहारा की 17 एकड़ जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर कहा यह भी जा रहा है कि इंदौर की बेशकीमती जमीनों की जब्ती और कुर्की बैंक द्वारा की गई है और इनकी नीलामी की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। रुचि ग्लोबल लिमिटेड को दिए गए बैंकों की कर्ज की अदायगी समय पर नहीं करने के कारण उमेश सहारा पिता कैलाश सहारा तथा खुद कैलाश सहारा की कई जमीनों को बैंकों ने कब्जे में ले लिया है और इसके तहत देना बैंक को कुल मिलाकर 58.38 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 8 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को 17.5 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक को 107 करोड़ रुपए इनसे लेना है। कुल मिलाकर बैंकों की कुल वसूली 190 करोड़ रुपए होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैंकों द्वारा जो 60 दिन का नोटिस दिया गया था उसके बावजूद यहाँ पर राशि जमा नहीं होने के कारण अब जमीनों को बैंकों द्वारा अपने आधिपत्य में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संभावना इसी बात की बताई जा रही है कि आने वाले समय में ये सभी जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी। यानी इंदौर शहर के जो सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति माने जाते थे रुचि सोया के श्री कैलाश सहारा, अब उनके और उनकी कंपनी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।